प्यारे बच्चों, अब देखियो आज की पै रहा है। आज मीह पै रहा है ना, बहुत जोरा नाल मीह पै रहा है। इसनू की कहंदे ने? वर्खा। की कहंदे ने? वर्खा। तुहानू पता सारिया नू वर्खा किवें हुंदी है? नहीं पता ना? मैं तुहानू दसांगी कि यह मीह किवें पैंदे हन, यह वर्खा किवें हुंदी है। बच्चो, तुहानू ये तो पता ही है कि सूरज बहुत गर्म हुंदा है, ते सूरज दी गर्मी नाल धरती ते समुंदरां दा पानी, नदी नालियां दा पानी गर्म होके भाफ बन जांदा है, ते भाफ बन के आसमान विच उड़ जांदा है। इस प्रक्रिया नू वाष्पीकरण भी कहंदे हन। पानी दा बूंदा दा उपर उड़ जाना। आसमान विच तापमान धरती नालों घट हुंदा है, जिस कारण ये बूंदा उपर जांदियां ही ठंडियां हो जांदियां ने, ते बदलां दा रूप धारण कर लैंदियां ने। ये बदल पानी नाल भारे हो जांदे ने, ते काले बदलां दा रूप धारण कर लैंदे ने। पानी धरती ते वर्खा दे रूप विच वहन लग जांदा है। तरह ही वर्खा हुंदी है, ते फिर तो ये वर्खा दा पानी मिट्टी दे बहाव नाल नदी नालियां विच वापस मुड़ाउंदा है, ते उस नाल धरती भी हरी भरी हो जांदी है। इस प्रक्रिया नू जल चक्कर भी कहंदे हन। धरती दे पानी दा सूरज द्वारा वाष्पीकरण करना, भाफ बन के उड जाना, फिर उस भाफ दा बदल बन जाना, ते बदलां द्वारा धरती ते वर्खा करना, ये प्रक्रिया वार वार चलदी है। जिवें घड़ी बार बार चलती है, उवें जल चक्कर की प्रक्रिया भी वार वार चलती है, ते धरती ते वर्खा हुंदी।